तो आज है 30 दिसंबर और वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो 30 दिसंबर की मॉर्निंग है और हम तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। और मॉर्निंग हमारा जो नाश्ता है वो आपने देखा, लिट्टी चोखा बना था। उसके बाद मैंने सत्तू जो बचा हुआ था उसी से मैंने पराठा बना लिया है। और ये सारी तैयारी हो रही है हमारी छोटी सी पिकनिक, फैमिली पिकनिक की। तो थोड़ा बहुत मैंने कुकिंग दिखाया है और सारा चीज़ पैक करके हम जा रहे हैं कोयल नदी, अपनी कोयल नदी जो मेरे मायके और ससुराल दोनों को मिलाती है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम आ चुके हैं। तो पहले हमने इस जगह चूज किया कहाँ जाना है, फिर हम नीचे गए। तो नीचे जाके हमने अपना जो छाया जगह था वही मैं हमने चुना है। और चारों तरफ मतलब काम एक तरफ चल रहा था और एक तरफ कुछ पिकनिक करने के लिए आए थे, तो हमने छाया अपना चुन लिया। और माँ पापा वहाँ बैठे हैं और देवनंदन और उसके पापा गए हैं नहाने के लिए। और अभी टाइम हो रहा था 1:30 बजे का और हमने सारा खाना घर से बना के, मैं पिछले टाइम भी ऐसे ही की थी। और ऐसे में क्या होता है ना, इंजॉय कर पाते हैं। तो देव अपने इंजॉय में मस्त हैं, माँ पापा बैठे हुए हैं, मैंने दिखाया। और मैं आई हूँ यहाँ पर, पानी मतलब नदी आते ना तो थोड़ा लगता है कि हाथ में पानी ले, तो यहाँ पर आई। और उसके बाद हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं अपना खाना, क्योंकि टाइम हो गया था और काफ़ी टाइम 2 बजे का टाइम हो रहा था। हमने लंच किया, पापा माँ इस बार माँ को भी लेके आए हैं, माँ पापा दोनों को। तो इस बार बहुत ही अच्छा लगा और देव और हमने बहुत ही इंजॉय किया। आगे आपको देखने को मिलेगा, तो इंजॉय कीजिए वीडियो को। कैसा लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खाना पीना वगैरह सारा ख़त्म हो चुका था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद है देव की नौटंकी, देख सकते हैं उसने छोटे छोटे लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग ने सेकने के लिए। हल्की हल्की धूप आ रही थी और हल्का सा शाम भी हो रहा था तो ठंड भी हो रही थी। तो देख सकते हैं इसने आग जलाया हुआ है और आग जला के यहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। तो वो अपना एंजॉय कर रहा, दादी उसकी देख रहे हैं क्योंकि बच्चा है, आग में लग ना जाए। उसके बाद हमने थोड़ा सा बैडमिंटन खेला, थोड़ा सा ही खेला क्योंकि बालों में ज़्यादा होता नहीं है। उसके बाद आए हैं तो थोड़ा सा देव को भी होता है ना एंजॉय करें, तो उसके साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर खेल रहे हैं। एक ही जगह हाथ घुसाना, साबुन, चलो चलो माइंड संतुलन रखेगा तब तो देखा एक बार मिला। अभी टाइम हो रहा था मतलब 4 बजने ही वाले थे, 10-15 मिनट बाकी था, हम निकल गए थे घर जाने के लिए। और घर जाने से पहले थोड़ा सा हमने घूमना चाहा क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य ना बहुत ही खूबसूरत है, देखने को मिलता होगा आपको। और सूर्य भी अस्त होने वाला था तो हमने थोड़ा दूर घूमे। और घूमने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक किया हमने।
बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। ये है हमारी कोयल नदी। पिछले बार वहाँ नहाने आए थे ना, इतना गड्ढा हो गया है? नहीं हुआ है, गड्ढा दिख रहा है। नहीं गड्ढा उस समय ज्यादा ये डाला है, वो मिट्टी डाला है, मिट्टी बालू। आपका पत्थर फेंक दिया होगा। चलिए पिकनिक खत्म हो गया हमारा। ओलम शायद बना रहा है अभी तक खाना, खाना खाता होगा पता नहीं। चले तो हमारा पिकनिक खत्म हो चुका है, सनसेट भी होने जा रहा है। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो, ज्यादा नहीं भगवान। दादा दादी पहुंच गए होंगे घर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय।